हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हम मैथ कर रहे थे, आज हम करने वाले हैं 1.5 की एक्सरसाइज है, सिक्स क्लास। वो आज हम स्टार्ट करेंगे 1.5 एक्सरसाइज। इसमें हम एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ, आपको वो नोट डाउन करनी है। आप चाहे तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो इस चीज़ का, क्योंकि उसके बिना आप इस एक्सरसाइज को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको कुछ यूनिट्स हैं वो याद रखनी है, कैसे, जैसे कि 1 किलोग्राम होता है हमारा, 1 किलोग्राम, इसमें 1000 ग्राम होते हैं, 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम, और 1 सेंटीग्राम में 10 मिलीग्राम। ये 3 चीज़ें हैं जो आपको नोट डाउन करनी है, इसके बिना आप क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व नहीं कर पाओगे। इसमें क्या है, देखो 1 किलोग्राम में कितने हैं, 1000 ग्राम। अब देखो ये 1000 है, ये कितने हैं, 1000 ग्राम है। इसमें हम क्या करेंगे, हम करेंगे केवल एक का, ये 1000 हैं, हम पूछेंगे केवल 1 ग्राम में, 1 ग्राम में कितने होंगे, 100 सेंटीग्राम। अब आपसे कोई ये पूछे कि 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे, तो अब क्या करोगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, 1 किलोग्राम में कितने सेंटीग्राम होंगे वो। अब इसने कहा कि अगर 100 सेंटीग्राम, तो आपने बता दिया कि 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम होते हैं, लेकिन 1 सेंटीग्राम में, 1 सेंटीग्राम में आपके कितने मिलीग्राम होंगे, तो वो हम क्या बताएंगे, 10 मिलीग्राम होंगे। तो आपकी 3 चीज़ें हैं वो याद रखनी है। एक डायरेक्ट चीज़ आपसे है जो पूछी जाएगी, वो क्या है, 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जाएगा कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि इन तीनों की मल्टीप्लाई। तो आप देखो क्या है, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, ये हमारा हो जाएगा 1 किलोग्राम में इतने मिलीग्राम होते हैं। तो इसमें आपको पहला जो क्वेश्चन है यही पूछा गया है, देखो ध्यान से, हाउ मैनी मिलीग्राम्स मेक 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में हम कितने मिलीग्राम्स आ सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर देखा है कि 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होंगे, तो इसका आंसर यही होने वाला है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डायरेक्ट जो हमने ये क्वांटिटी निकाली है यही होगी, 1 किलोग्राम में क्या पूछा है, कितने मिलीग्राम्स होंगे, ये हमारे क्या आ गया, मिलीग्राम्स। तो ये हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। केवल इसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया क्वांटिटी पर कि आपको क्या है, ये 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम्स होंगे। तो आगे भी इस चीज़ के यूज़ किया जाएगा, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। अब हम चलते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि एक बॉक्स है, उसमें क्या है, मेडिसिन टेबल, वो टेबलेट्स हैं। इसने कहा है कि कितनी टेबलेट्स हैं वो बताई गई हैं, और एक जो टेबलेट्स है उसका कितना वजन है वो बताया गया है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले टोटल, टोटल हमारी टेबलेट्स कितनी हैं, टोटल टेबलेट्स हैं वो हमारी कितनी हैं वो हम लिख लेंगे। ओके, तो हमने क्या लिख लिया, टोटल टेबलेट्स है हमारी वो लिख ली। अब हम देखेंगे कि इसने एक टेबलेट्स का वज़न है वो कितना बताया है। तो इसने एक टेबलेट्स का वज़न बताया है यहाँ पर 20 मिलीग्राम। ओके, जैसे कि आपको एग्जांपल के लिए मैं आपको कुछ बता दूँ, आपको मतलब 5 पेन दिए हैं, 5 पेन मान लो कि ये यहाँ पर टेबलेट्स, मान लो एग्जांपल के लिए 5 पेन दिए हैं आपको, उसमें से क्या है, एक पेन का वज़न दे दिया है। आपसे पूछे कि 5 पेन का वज़न कितना होगा, तो आप क्या करते हो, उन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे कि हमने टोटल टेबलेट्स हैं वो हमें इतनी दी हैं, और एक टेबलेट्स का वज़न है वो हमें इतना दिया है, तो हम टोटल का वेट्स कैसे निकालेंगे, टोटल का वेट निकालेंगे हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा टोटल वेट है वो कितना होगा, टोटल वेट के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा क्या हो गया, टोटल वेट है वो किसमें है, ये मिलीग्राम में है, तो हम मिलीग्राम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसने इतना पूछा है, इतना पूछने के बाद इसने आगे क्वेश्चन किया है, क्या क्वेश्चन किया है कि आपको जो ये वेट निकाला है आपने, आपको इसको कन्वर्ट करना होगा ग्राम में। सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे, ग्राम में, और फिर करना आपको किलोग्राम में। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी नोट डाउन करने के लिए कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं, और 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं,
ये मैंने आपको पिछली जो स्लाइड है उस पर लिखवाया था, तो ये देखो वही है। तो इस हम क्या करेंगे, ये हमें क्या दे दिया, मिलीग्राम दे दिया। अब हम किस में कन्वर्ट करेंगे इसको, हम इसमें कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, एक चीज़ बताओ आपकी कोई, ये क्या है, छोटी क्वांटिटी है। अगर हम इसको बड़ी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगी, छोटी आएगी ना वो, तो हम क्या करेंगे इसको डिवाइड कर देंगे। लेकिन किससे डिवाइड करेंगे कि 1 ग्राम में, ग्राम में कन्वर्ट करना है किसको, मिलीग्राम को। तो 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 होते हैं, तो हम क्या करेंगे इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसको क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा जो आंसर आएगा ये हमारे किस में आ गया, ग्राम में आ गया। तो इसने पूछा है कि आपने ग्राम में निकाल लिया वेट, अब आपको निकालना है किलोग्राम में। इसने क्या कहा है, आपको मिलीग्राम में दिया है, सबसे पहले मिलीग्राम में आपको टोटल निकालना है वेट जो हमने निकाल लिया था ये। फिर इसने कहा है कि आपने टोटल निकाल लिया, अब इसको ग्राम में कन्वर्ट करो। मिलीग्राम से हमने ग्राम में कन्वर्ट कर लिया। अब इसने कहा कि इसको ग्राम है ना, जो आपकी क्वांटिटी है ग्राम है ये दी हुई है, इसको किस में कन्वर्ट करो, किलोग्राम में कन्वर्ट करो। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड क्यों करेंगे, 1000 से डिवाइड इसलिए करेंगे क्योंकि 1 किलोग्राम है उसमें कितने ग्राम्स हैं, उसमें हमारे 1000 ग्राम्स हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को भी हम डिवाइड कर देंगे 1000 से। हम इसको 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 4 किलोग्राम। तो देखो जो हमारे किलोग्राम की जो क्वांटिटी जो है वो यूनिट है वो क्या है, वो हमारे लास्ट वेट के लिए दी हुई है, और जो मिलीग्राम्स है वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी है। ओके, तो इसमें हमने क्या किया है, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमने इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर लिया है, किससे, मिलीग्राम से स्टार्ट किया था। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन है ये कम्प्लीट होता है। अब हम देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन दी गई है एक जो गांव है उसकी पॉपुलेशन दी गई है, 2 इयर्स दे दिया आपको, उसमें कहा है कि 1 साल में तो इसका जो पॉपुलेशन है वो इतनी थी और फिर उससे अगले साल इतने पॉपुलेशन है, तो टोटल बताओ हमारी कितनी हो गई। आप देखोगे कि ये क्वेश्चन है ये सभी 1.2 एक्सरसाइज है उससे मैच करते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के 1.2 से मैच करते हैं। अगर आपने 1.2 अच्छे से की है तो आपको ये सभी क्वेश्चन आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। तो हम इसमें देखो क्या करेंगे, हम इसमें लिखते हैं सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट ईयर में दिया हुआ है वो, ये तो सेम हो गया, हमारे जो क्या है इसने फर्स्ट ईयर में जो हमारी फर्स्ट ईयर दी है इसने, उसमें हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है, इसमें पॉपुलेशन दी है वो हमने लिख ली है। फिर इसने क्या कहा है कि हमें 1 ईयर्स और दी गई है, उसकी पॉपुलेशन है वो भी दी गई है, उसको नोट डाउन करके हम क्या करेंगे, उसकी भी पॉपुलेशन दी है वो लिख लेंगे। इसमें पॉपुलेशन कितनी दी है, ये हमने लिख लिया। तो अब इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि ओके आपको 1 साल इतनी बताई थी, फिर मतलब उसके 10 साल बाद कितनी है वो बता दी। अब इसने कहा कि इन दोनों में टोटल कितना होगा, इन दोनों की टोटल है वो कितनी होगी पॉपुलेशन, तो हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे। इसमें क्या करना है, हमको ऐड करना है, क्या चीज़ ऐड करनी है, ये 2 चीज़ हमें दी गई है, इन चीज़ दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो हमारी जो नंबर्स आएगी वो हमारा क्या होगा, यहाँ पर आंसर होगा। तो इसमें क्या है, देखो इसमें वो आपको इजी एग्जांपल बताऊँ तो, आज आपने 10 रुपये खर्च किए, फिर आपने कल कितने किए, 15 किए, तो आपसे पूछे कि आपने टोटल कितने किए, तो आप कहोगे 25। वैसे ये है कि पहले पॉपुलेशन निकाली थी वो इतनी है, फिर इतनी है, टोटल पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एडिटिंग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्या है, हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है एडिंग। फिर हमारा आता है यहाँ पर जो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं, हमारा जो फोर्थ का क्वेश्चन है उसमें क्या कहता है, सेम वैसे ही है, इसमें भी हमें ऐड करना है। जो हमारी 1.2 एक्सरसाइज थी उसमें सेम यही क्वेश्चन दिया गया था, लेकिन उसमें क्या है, ये नंबर्स दिए गए हैं ये अलग दिए गए थे। तो इसमें देखो क्या है, इसमें एक स्कूल है, स्कूल में ना टिकट्स बिकती हैं, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, तो वो टिकट्स बताई गई हैं कि फर्स्ट डे कितनी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कितनी है वो बिकती हैं, ये हैं। तो इसने अब पूछा है कि टोटल कितनी बिकी,
तो हम क्या करेंगे, टोटल के लिए ऐड करेंगे, वही है हमारा, आज हमने इतने खर्च किए, कल इतने परसों इतने परसों इतने, तो हम क्या करेंगे सभी को जोड़ने के, सभी को जो हमारा खर्च है वो निकालने के लिए क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, वैसे ही हम इस चीज़ को ऐड कर देंगे। तो इसमें हम सॉल्यूशन क्या लिखेंगे कि हमारा जो फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे कितनी टिकट बिकी हैं वो लिखेंगे, फर्स्ट डे, फिर सेकंड डे, सेकंड डे, फिर थर्ड डे, और फिर हमारा आता है लास्ट फोर्थ डे, फोर्थ डे में कितनी है वो। तो इसने क्या कहा है, हमें जो चार दिन हैं उनकी टिकट्स हैं वो बिके हैं कितनी वो दे दिया है, फर्स्ट डे इतनी है, सेकंड इतनी है, थर्ड इतनी है। तो अब इसने कहा कि ये हमें टोटल है वो कितनी बिकी हैं हमारी इन चारों दिनों में, तो हम इसका आंसर निकालने क्या करेंगे, इन चारों को ऐड कर देंगे, क्या करेंगे इन चारों को ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, वही हमारे जो टोटल नंबर टिकट्स हैं वो होंगी कि हमारी कितनी बिकी है। तो इस प्रकार हमारा जो फोर्थ का क्वेश्चन है वो भी सोल्व हो जाता है, जो प्लस माइनस है वो तो आप अपने आप कर सकते हो, सिक्स क्लास में हो गए हो तो आप ये कर लेना, मैंने आपको बता दिया है कि हम इस क्वेश्चन को कैसे निकालेंगे। ऐसे ही हम क्या करते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देखते हैं, अगला क्वेश्चन है वो क्या कहता है। इसने कहा है कि एक टाउन है उसमें न्यूज़पेपर आते हैं, एक टाउन है उसमें न्यूज़पेपर आते हैं डेली वेज, तो उसने कहा है कि हमें टोटल कॉपीज दे दी हैं, जैसे कि हमारी कॉपी होती हैं 12 को, हमारे पास एक कॉपी है उसमें मान लो 5 पेज ही हैं, एग्जांपल के लिए छोटी क्वांटिटी ले रही हूँ, मान लो 5 पेज है, आपको दे दे कि आपको 10 कॉपियाँ दे दे, आपको कहे कि उसमें टोटल कितने पेज होंगे, तो आप क्या करोगे उन दोनों के मल्टीप्लाई कर दोगे, ऐसे इसमें क्या करेंगे हम इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो हम समझते हैं अच्छे से इसको, सॉल्यूशन करते हैं इसका। इसने क्या कहा है, हमारी जो टोटल कॉपीज हैं वो कितनी है, टोटल कॉपीज हैं वो लिखेंगे, ये हमारी क्या है, ये हमारी टोटल कॉपीज़ हैं, और फिर इसने कहा है कि एक कॉपी के, एक कॉपी में कितने पेज है वो हमें दिए गए हैं, तो एक कॉपी में कितने पेज दिए हैं वो लिख लेते हैं। इसने एक कॉपी में दिए हैं 12 पेज, कितने पेज दिए हैं 12। तो अब एक बात बताओ आप कि जैसे कि हम देखते हैं हमारे पास कितनी है, 10 कॉपियाँ हैं, एक कॉपी में मान लो फिर भी 10 पेज हैं, तो आप इसको टोटल निकालोगे, क्या करोगे इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे, आपके पास 100 आ जाएगा। वैसे ही हम क्या करेंगे इसमें करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम क्या करते हैं इसमें टोटल पेज निकालते हैं, टोटल पेज, टोटल पेज कैसे निकालेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर हमारा जो आंसर आएगा उसमें उससे आगे भी पूछा गया है, तो हम इसको निकाल लेते हैं पहले, 16, 6, 1, 18, 1, 19, 2, 1, 3, 2, 0, 8, 9, 1, 1, 0, 6, 17, 1, 13, फिर ये 3, 1, 4, 1, ये हमारा क्या गया, ये हमारी आ गई यहाँ पर टोटल कॉपीज़ हैं वो, ये हमारा क्या है टोटल, टोटल सॉरी टोटल कॉपीज बोल रहे हैं, टोटल पेज, टोटल कॉपीज़ तो हमें ये दी गई थी, एक कॉपी के पेज हमें 12 दिए थे, इसने कहा था कि अगर हमारी इतनी कॉपीज़ में कितने पेज होंगे वो निकाल लेंगे, तो हमने निकाल लिया कि हमारे कितने पेज होंगे वो। तब हम आगे क्या करते हैं, इसने इससे आगे क्वेश्चन पूछा है हमें, क्या पूछा है इसने आगे कहा कि एवरी मंथ, एवरी मंथ इसका आंसर इतना जितने पेज हैं वो कितनी प्रिंट आउट की जाएंगी, तो आप एक बात बताओ कि वन मंथ में कितने डेज होते हैं, जनरली हम दो ही लेते हैं वन मंथ में, 30 या 31, तो आप क्या करोगे यहाँ 31 के या 31 कौन से के हिसाब से भी करोगे तो आपका गलत नहीं होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका क्या है आंसर आ जाएगा। तो इसमें क्या है हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पर कंप्लीट होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम इस एक्सरसाइज को 2 पार्ट में करेंगे, तो हमारा ये क्वेश्चन होगा, हम देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें भी सेम वही क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि वन डे में स्क्रू बनते हैं कितने, क्या ये हमें दे दिया गया है,
फिर इसने कहा है कि हमारे मतलब टोटल क्यों है एक दिन में इतने बनते हैं, तो मंथ ऑफ जनवरी, जनवरी ईयर आपको कुछ भी दे दे, आपको 2006 दे दे, 7 दे दे, 8 दे दे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनवरी है उसमें डेज होते हैं वो फिक्स होते हैं। तो जनवरी के महीने में कितने डेज होते हैं, जनवरी के महीने में डेज होते हैं हमारे 31। तो आप क्या करोगे, इस चीज़ को जो हमारी ये क्वांटिटी दी है, ये नंबर दिया है, क्वांटिटी नंबर दिया है, उसको आप 31 से मल्टीप्लाई कर दोगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वही क्वेश्चन का आंसर होगा। इस प्रकार हमने क्या है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से सोल्व कर लिया है। आपने, आपको अगर समझ में कुछ भी नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि हमें यहाँ से समझ में नहीं आया है, आपकी प्रॉब्लम को सोल्व की जाएगी। इस प्रकार हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके सेकेंड पार्ट में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, और इस जो हमने आज करवाया है इसको प्लीज़ एक बार रिपीट करके देखें ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।